बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वकजा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इयाहू वबिलवालिदैन इहसाना। अल्लाह पाक फरमांदे ने असी फैसला कर लिया वे, किस चीज़ का फैसला किया वे, अल्लाह ताबुदू इल्ला इयाहू, इबादत अल्लाह कल्ले दी कही कीती जावे, इबादत अल्लाह पाक दी करनी। अल्लाह पाक किसे नू शरीक इबादत दे अंदर करोगे, अल्लाह पाक नू गुस्सा आ जांदा है। इबादत दे अंदर शरीक करोगे, दुनिया दे अंदर भी जलील और रसवा हो जावोगे। इबादत दे अंदर किसे नू शरीक करोगे, अल्लाह पाक भी नाराज हो जावणगे। एंजी जेड़ा बंदा माँ बाप दी खिदमत नहीं ना करदा, ना फरमानियां माँ बाप दियां करदा है, ते अल्लाह पाक उन्हूं दुनिया दे अंदर जलील और रसवा कर देंदे। जे जेड़ा माँ बाप दी इज्जत ते अदब एहतराम नहीं करदा, मेरा रब भी उहदे ते नाराज हो जांदा वे। इबादत दे अंदर शरीक करो ते रब नाराज है, ते माँ बाप दी खिदमत ना करो फिर भी अब नाराज हो जांदे ने। फरमाया वकाजा रब्बू का अल्लाह ताबुदू इल्ला इयाहू वबिल वालिदैन इहसाना। वालदैन दे नाल इहसान करना वे, वालदैन दे नाल नेकी करनी है, वालदैन दे नाल अच्छा सलूक पेश आवना वे। अगे फरमाया इम्मा यबुलुगन्ना इंदा कल की बारा, इम्मा यबुलुगन्ना इंदा कल की बारा आहदुहु। फरमाया उन्हां दोवां विचों एक कोई बड़ा पे देंदर चला जांदा है, औ किला हुमा या दोवे ने फला तकुल्ला हुमा, तुसीं कोई गल नहीं करनी, वाला तकुल्ला हुमा उफिन उफ भी नहीं करना, वाला तनहर हुमा ना उन्हां नूं झिड़कना मना भी नहीं करना। उफ तू मुराद के वे कोई ऐसा हरकत करना के माँ बाप दे दिल ते बुरी लगे, जबान नाल बोल बोलना उफ नहीं, दे हरकत भी ऐसी करोगे जिरे माँ बाप नू दे दिल दुरा दुखा देवे, उन्हूं उफ कहंदे ने। फरमाया उफ्यू वाला तनहर हुमा व कुल्ला हुमा कौलन करीमा। बूढ़े माँ बाप हो जाने थे, बूढ़े माँ बाप हो जाने तलकरा क्यों कीता, बूढ़ा बंदा हो जावे अकल खो बैठ दावे, बूढ़ा बंदा हो जावे हरकतां बच्चियां वालियां करना शुरू कर देंदा है, बूढ़ा बंदा हो जाए तो जिद्दां करन लग पैंदा वे, बूढ़ा बंदा हो जावे तो फिर अपनियां मर्जियां अपनी अपनी बात मनाण दी कोशिश करदा वे। ते अल्लाह पाक फरमांदे ने तेरे बूढ़े माँ बाप हो गए ने, माँ बूढ़ी हो गई है, बाप बूढ़ा हो गया है, जिस तरह वो कहंदा तू हाँ दे नाल हाँ मिला लिया कर, वकुल्लहुमा कौलन करीमा। अगर वो कोई ऐसी हरकत कर देन जिहड़ी तैनूं ना गवारा लगे, ऐसी गल कर देन जिहड़ी तैनूं सख्त लगे, वो सख्त गल करन लेकिन अल्लाह पाक फरमांदे ने तू फिर भी उन्हां वा ते वकुल्लहुमा कौलन करीमा। बड़े प्यार दे नाल गल करनी, अदब दे दायरे दे अंदर रह के गल करनी है, क्योंकि तेरे माँ बाप ने तैनूं जवान कीता वे, तेरे माँ बाप ने तैनूं इन्ना पढ़ाया वे, तेरे माँ बाप ने तैनूं इन्ना लिखाया वे, तेरे माँ बाप ने तैनूं चलन दा तरीका सिखाया वे, तेरे माँ बाप ने तैनूं खाण पीण दा तरीका सिखाया वे, तेरे माँ बाप ने तैनूं बोलन दा सही तरीका सिखाया वे, ते जिन्हें तैनूं बोलन दा तरीका सिखाया ते उहदे खिलाफ बोलिया ना कर, उहदे नाल बोलना ते मुहब्बत नाल बोलना है, बोलना ते बड़े अदब दे दायरे दे अंदर रह के बोलना है। अगू अल्लाह पाक फरमांदे ने वाखफिद लहुमा जनाहज़ुल्ली मिनर रहमती, वाखफिद लहुमा जनाहज़ुल्ली मिनर रहमा। ए दो बाजू ने अल्लाह पाक फरमांदे ने ताकत अल्लाह ने दिती आ, लेकिन ए ताकत नू अपने माँ बाप दे खिलाफ इस्तेमाल ना करी, ए माँ बाप दे अदब
दे दारे दे अंदर रखे अपने बाजवां नू झुका दे। ए तेरे मां बाप जिधर आखण उधर जिहड़ा चला दे, मां बाप जिस तरह कहण उस तरह कर दे। दा मतलब है वे ए तेरे बाजू दे अंदर रब ने ताकतां दित्तियां नी, ते जो तेरे मां बाप आखण उंजी कर दिया कर। अगू फरमाया वाकुर रब्बिर हमहुमा वाकुर रब्बिर हमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। आखर ते मां बाप ते हाथ चुक लिया कर, दुआ मंगया कर वाकुर रब्बिर हमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ऐ मालिका जिस तरह मेरे मां बाप ने मेरे ते छोटा सी रहम कीता वे, मेरे ते रहम कीता वे, मैं बच्चा सी ना, मैं खा नहीं सकदा सी मनु खलाया करदे सी, मैं पी नहीं सकदा सी मनु पलाया करदे सी। वाकुर रब्बिर हमहुमा अल्लाह मैनु पढ़ाया ते उन्हां ने रहम कीता ते पढ़ाया वे। वेखना अपने माशरे दे चक्कर लगा के वेख लैना, कोई ऐसे नौजवान नहीं तक्के खा रहे ने, पढ़ाए नहीं बाप ने, क्यों? मजबूरियां ने, बाप नु मजबूरियां ने। अगर तेरा बाप ही तेनू ना पढ़ांदा ते तू के कर सकदा सी? ते दुआ मंगया कर वाकुर रब्बिर हमहुमा अल्लाह अगर मेरे बाप ने मेरे ते रहम कीता, मनु जवान कीता, मनु पढ़ाया वे, अल्लाह जिस तरह ओ मेरे ते रहम करदा रहा, मेरे मालका अज बूढ़ा हो गया, अल्लाह तू ओ दे ते रहम फरमा दे। ए हकूक अल्लाह पाक ने वजाहत में फरमा दिते। ते दुआ मंगनी है इस तरह किधरे वेर बाप जिंदा है फिर भी यही दुआ मंगो, के कहना है वाकुर रब्बिर हमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। बाप दुनिया तू चला गया ते फिर भी यही दुआ मांगो नू फायदा देवेगी। वाकुर रब्बिर हमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अल्लाह मेरा बाप दुनिया ते मेरे ते रहम करदा रहा, अल्लाह अब मेरा बाप दुनिया तू चला गया वे, ऐ अल्लाह ओ दे ते रहम करदा रमी, अल्लाह रहम करदा रमी। अल्लाह कमजोर सी ना, इंसान सी ना, गलतियां हो गईयां ने, अल्लाह तू ओ दे ते रहम फरमा के अल्लाह ओ दे वते सानियां पैदा फरमा दे। ऐ दवा फायदा देवेगी। दूसरी दवा अल्लाह दे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सीना पाक दे कुरान नाज़िल होंदा वे, सूरत इब्राहिम दे अंदर अल्लाह पाक फरमांदे ने हर बच्चा हर बूढ़ा नमाज पढ़ता है, कहंदा रब्बी गफिरली वाली वालिदैया वलिल मोमिनीना यौम यकूमुल हिसाब। ए दुआ मंगदा रब्बी गफिरली अल्लाह मनु माफ कर दे, रब्बी गफिरली वाली वालिदैया अल्लाह मेरे मां बाप नु माफ फरमा दे, अल्लाह बख्श दे। यौम यकूमुल हिसाब अल्लाह जिस वक्त क्यामत कायम हो जाएगी, हिसाब किताब दरा बड़ा बदला देने वाला दिन होएगा, अल्लाह उस दिन भी सानू माफ करी ते मेरे वालदैन नू भी माफ फरमा दे। ए वालदैन ते अल्लाह पाक ने हकूक दसे ने कि मां बाप दे अपना खिदमत करनी है और दुआवां मंगनियां ने उन्हां दे बाजू दे नाल बाजू मिला के उन्हां दी खिदमत करनी है, उन्हां दे हाथ बटाना में। ए कुरान पाक आइए दूसरा मुकाम अल्लाह पाक ने सूरत बकरा दे अंदर अरशाद फरमाया कि जिस वक्त बनी इसराइल अल्लाह पाक ने उन्हां कोलों वादा लिया, सूरत बकरा आयत नंबर 83 है, अल्लाह पाक के फरमांदे ने फरमाया वा इद अखजना मीसा का बनी इसराइला ला ताबुदूना इल्लल्लाह। अल्लाह पाक फरमांदे ने सी बनी इसराइल को नु वादा लिया वे, वादा के लिया वे, अल्लाह पाक फरमांदे ने सी उन्होंने आख्या ला ताबुदूना इल्लल्लाह, जेड़ा अल्लाह पाक ने सूरह बनी इसराइल दे अंदर फरमाया, एथे भी इंजी फरमाया ला ताबुदू ना इल्लल्लाह, इबादत अल्लाह कल्ले दी करनी है। वा बिल वालिदैन एहसाना ते वालदैन दे नाल एहसान करना वे। आइए ना ए ते हो गए ना सूरत बकरा दे अंदर, दूसरी भी सूरत बकरा दे अंदर अल्लाह पाक फरमांदे ने, अल्लाह पाक फरमांदे ने 215 नंबर आए ते फरमाया यस अलूना का माजा युनफिकून कुल मा अनफक तुम मिन खैरिन फलिल वालिदैन।
अल्लाह पाक फरमाते ने ए पुछ देने कहंदे ने यस अलूनका मादा युनफिकून, ऐ मेरे महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी सवाल करदे ने सी किथे खर्च करिए, इंज समझो ना अल्लाह दे नबी ने पुछदे ने अल्लाह दे नबी जी सब नालों बेहतरीन माल जिहड़ा खर्च कीता है, सब नालों बेहतरीन चीज जिहड़ी सी खर्च करांगे ओ किस जगह ते खर्च करिए ते जिहड़ा रब भी पसंद करदा है, रब भी राजी हो जांदा वे। ते अल्लाह पाक ने उस वक्त जवाब दिता यस अलूनका माजा युनफिकून कुल मा अनफक्तुम मिन खैरिन फलिल वालिदैन वल अक्रबीन, अल्लाह पाक फरमांदे ने सब नालों बेहतरीन जिहड़ा तुसीं खर्च कीता वे फलिल वालिदैन वालदैन ते जिहड़ा खर्च करोगे सब नालों बेहतरीन माल जे। ओ लोगो असीं मां बाप दी खिदमत नहीं करदे, मां बाप दा अदब ते एहतराम नहीं करदे, साडे माशरे दे अंदर वेखो ना बच्चे दी शादी हो गई है बच्चा अलहदा हो गया वे, ना मां दा ख्याल है ना बाप दा ख्याल है, अगर मां बाप कट्ठे ने अपना बच्चे दे नाल ने ते उन्हें रोटी दा खान पीन दा उन्हां दे पहन दा ख्याल नहीं करदे, साडे माशरे दे अंदर जिहड़े बच्ची रोटी है जे टुकड़े बच्चे होए ने बाप दे हवाले कर दिते जांदे ने मां दे हवाले कर दिते जांदे ने, अगर कोई भूल के मां बाप दी रोटी ना रखे ना ते नौ को जवाब के दें दिए ए बुढ़ा सानू लै बैठा असी अद्धे रोटी पकाइए, ओए नौ जड़ी है अगू कहंदी है तेरे बाप वास्ते इस तरह करा। मेरे दोस्तों ए जुमला अल्लाह पाक नू इन्ना गलत लगता है, अल्लाह पाक नू इन्ना गुस्सा आ जांदा है जिहड़ा अपने बाप दे खिलाफ गल्लां सुने। मेरे आका ने फरमाया सी क़यामत दे करीब आपने गलामत दसी, आपने फरमाया कि लोग अपनी बीवियां दे फरमा बरदारी करनगे और मां बाप दा अदब एहतराम नहीं करनगे। वे ना मेरे माशरे दे अंदर अलमिया ना बीवी दी दे ताबेदारी कर रहा वे, बीवी दे खर्चे पूरे कर रहा वे, लेकिन मां बाप दे खर्चे पूरे नहीं करदा। हालांकि कुरान पाक फरमांदे फलिल वालिदैनी, सब नालों पहले हक बीवी नालों पहले हक मां बाप दा, फिर फरमाया फलिल वालिदैनी वल अक्रबीन, दूसरे नंबर ते करीबी ने, करीबी तू सब नालों पहले बीवी है बच्चे ने, यानी पता चलिया कि सब नालों पहले हक जड़े ने हकूक ने सब नालों पहले ख्याल रखना है ते मां बाप दा रखना है। बच्ची रोटी नहीं देनी बल्कि उहदे स्पैशल खाना पकाना वे जिस तरह आपे खा रहे हैं पहले अपने माँ बाप नू पेश कर। अल्लाह की कसम है दुनिया के अंदर भी इज्जत मिलेगी, दुनिया के अंदर परेशानियां दूर हो जाएंगियां, आखरत वाले दिन भी अल्लाह पाक तुनू जन्नत दे देगा। नहीं यकीन आंदा सही बुखारी के अंदर वाकया मौजूद है, तुसी सुनिया भी ये तीन बंदे गार के अंदर फस गए ने, एक बंदा कहंदा अल्लाह गार बंद हो गई है, एक बंदा अल्लाह नू कहंदा अल्लाह सोनिया मैं अपने माँ बाप की बड़ी खिदमत की है, कि किन्नी कोई खिदमत की है, कह लगा अल्लाह जी मैं बकरियां चराना सी, बकरियां चरा के अपने घर के अंदर आना वा ते सब नालों पहले दुध निकाल के अपने बाप बुढ़े नू उन्हूं पेश करना वा। अल्लाह एक दिन ऐसा भी आया कि अल्लाह जी मैं घर के अंदर आया बाप सो गया वे ते मैं के करना बकरी का तार निकाल के दुध निकाल के अपने बाप दे कदमा दे कोल खड़ा हो गया। मैं आख्या जब तक मेरा बाप दुध नहीं पिएगा, जब तक मेरा बाप जरा सैर नहीं होगा, उस वक्त तक ना मैं खुद दुध पियाँगा ना अपने बच्चों पिलावांगा, क्योंकि फरमाया फालिल वालिदैनी वल अक्रबीन, सब नालों पहला हक मेरे बाप दा वे ते बाप दे अल्लाह जी मैं जिहड़ा वे चार पाई दे मैं खड़ा हो के सारी रात गुजार दिती है। बाप दी अग खुलदी है ते बाप कहंदा है बेटा क्यों खड़ा वे, मैं आख्या अब्बा जी मैं तुहानू दुध पेश करना चाहना मैं लेट हो गया सी, अब्बा जी मैं तुहाडे वास्ते खड़ा रहा वा। अल्लाह नू कहंदे ने अल्लाह मैं तन्नू राजी करने वास्ते अपने बाप दी खिदमत करदा रहा, ऐ अल्लाह मेरी नेकी अगर कबूल है ते साड़ी मुसीबत दूर कर दे। अल्लाह पाक ने उस वक्त हुक्म दिता गार दे अंदरों जिहड़ा पत्थर सी थोड़ा दूर हो गया ते पता चलिया माँ बाप दी खिदमत करने वाला जिन्नी वड्डी मुसीबत दे अंदर भी आ जावे बड़ी तो बड़ी मुसीबत दे अंदर भी आ जावे ऐडा वड्डा पत्थर सी कोई करेर भी दूर नहीं कर सकती, लेकिन जिस वक्त माँ बाप
सी कोई करियर भी दूर नहीं कर सकती, लेकिन जिस वक्त माँ बाप की खिदमत करने वाला अल्लाह नू कहंदे अल्लाह मैं तेनू राजी करने वास्ते माँ बाप की खिदमत की दी है, ते मेरे आका फरमांदे ने पत्थर दूर हो गया, ये मुसीबतां तो निकलना चाहते हो ते माँ बाप की खिदमत कर लवो। आइए ना एक दिन मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम साढ़े माशरे के अंदर आइए ना कि मैं कमाया।